ये घटना थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की एक घटना है। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान अमेरिकी आविष्कारक थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। उनके साथ बचपन में एक घटना घटित हुई थी और उसके बाद किस तरह से उनकी माँ ने उनका साथ दिया, उनका मनोबल बढ़ाया और कैसे वो एक महान व्यक्ति बन गए। आइए हम उनके जीवन की इस घटना को एक छोटी सी कहानी की तरह जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आए और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोले कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गईं और तेज आवाज में पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है, यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों के बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया। और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन एकदम से भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। देखा आपने कि एक माँ क्या होती है। माँ की ममता और प्यार हो तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा भी अपने भविष्य को बदल सकता है। अगर माँ का आंचल हो तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति वो बन सकता है। इसलिए अपनी माँ की हमेशा कद्र करना सीखो, क्योंकि माँ वो है जो अपने बच्चे को हर हाल में प्यार करती है। माँ वो है जो अपने बच्चे की कमी को ताकत में बदलकर उसके जीवन को निखार देती है।